अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, का क्या हाल है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज हम बात करेंगे कि गाड़ी जब आप रोड पे लेके निकलते हैं तो आपके पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर एक, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। स्मार्ट कार्ड अब तो बना हुआ है, वो कैरी करना भी कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर नंबर प्लेट्स जो एक्साइज वाले देते हैं वो होना ज़रूरी है। बाज़ की तो अभी आई नहीं है, उनके लिए तो फिर गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि वो इशू करें, क्योंकि हर किसी को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। लेकिन जिनके पास हैं वो प्लीज़ उसको घर में ना रखें, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब एक चीज़ गवर्नमेंट ने दी है तो वो लगाएं। और क्योंकि देखें, कानून जो है वो ही इंसान और जानवर में फ़र्क करता है। जंगल में कोई कानून नहीं होता, जानवरों का कोई कानून नहीं है, इंसान ही है जिनके कोई रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, माशरे में जीने के एक असूल हैं। वो सबको, मतलब सारे माशरे को इक्वल करने में मदद फराहम करते हैं। तो कोशिश करें कि कानून की पासदारी करें, ये चीज़ें अपने पास रखें। जब गाड़ी लें तो गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र लाजमी करा लिया करें। और जो हैं वो कम उम्र जो हैं वो बच्चे, उनको ड्राइविंग ना करने दिया करें। और बाद में फिर हम ट्रैफिक वालों को गालियां दे रहे होते हैं या गवर्नमेंट ये वो हो गया, ख़ुद तो कानून की पासदारी करें। एक रूल बना हुआ है तो वो उसको फॉलो करना चाहिए और अपने हिस्से का काम ज़रूर करें। फलाना नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा, वो कहते हैं अंधेरों को कोसने से बेहतर है अपने हिस्से का चिराग जलाया जाए। तो बातें पसंद आई हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई गलती हुई तो माजरत भाई जान, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।